हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इंडोर प्लांट्स जो मैंने इंडोर रखे हुए हैं। अक्सर जहाँ से मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाती हूँ उस स्पेस की कंप्लीट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, कंप्लीट लुक शेयर करूंगी, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट रखे हैं और क्या क्या उनके नाम हैं। तो शुरू हम करेंगे इस तरफ से, यहाँ से शुरू करेंगे और खत्म करेंगे हम यहाँ से। तो इस तरीके से हम शुरू करके और यहाँ पर आकर रुकेंगे और पूरा लुक, जैसे कि सामने मेरे दरवाजा है तो वहां से जब एंटर करते हैं तो कैसा लुक इस कॉर्नर का आता है वो मैं आपको दिखाऊंगी, सारे ही प्लांट दिखाऊंगी नाम के साथ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाता है जीजी प्लांट, और जीजी देखिए आप, इसको अच्छी लाइट मिलती है इस खिड़की से, आराम से ग्रो करता है। यहाँ पे मिट्टी बिल्कुल सूखी है अभी इसकी, जब बिल्कुल नीचे तक सूख जाएगी तभी इसको पानी मैं दूंगी। इसको मॉइस्चर यहाँ से मिल जाता है क्योंकि इस प्लांट में पानी रेगुलर बेसिस पर देना पड़ता है, इसकी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। इसीलिए ये है नेवर नेवर प्लांट, और ये देखिए इसकी पत्तियाँ मॉइस्चर जब कम हो जाता है तो बंद रहती हैं, खुलने में बहुत टाइम लेती हैं। ये इसकी छोटी वाली वैरायटी है, छोटी पत्तियां ही निकलेंगी इसमें, ये छोटा रहता है ये वाला प्लांट। और ये कैलेथिया फैमिली से है नेवर नेवर प्लांट, और ठीक इसके साथ ही ये सिल्वर पोथोस, और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है ये, और इसको भी अच्छी लाइट मिलती है। हालांकि ये कम लाइट में भी आराम से सर्वाइव कर जाता है। बिगिनर्स के लिए अगर आप इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट प्लांट है। सिल्वर पोथोस के बाद यहाँ पे है ये गोल्डन फिलोडेंड्रोन, और इसको साइलॉन भी बोलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, और ये भी ऑनलाइन मंगवाया था, रूट ब्रिजेस से मंगवाया था, और ये भी अच्छी ग्रोथ तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी स्लो है इनकी ग्रोथ, बहुत छोटे मिले थे एक्चुअली इसलिए भी हो सकता है। तो ये भी अच्छा ग्रो कर रहा है यहाँ पे, और कलर भी ऐड करता है, बहुत ही प्यारा लाइट ग्रीन कलर है इसका। ठीक इसके साथ दोस्तों ये वाला रखा है प्लांट, ये भी कैलेथिया फैमिली से ही है, कैलेथिया डॉटी, और ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। हफ्ते में एक लीफ तो इसकी निकल आती है अभी, ये देखिए ये जो ऊपर की सारी लीफ इसमें अभी निकल कर आई हैं, काफ़ी अच्छा इसने ग्रोथ स्टार्ट किया है मेरे पास आने के बाद। ठीक इसके बाद ये रखा है क्राइसुला ओवाटा, और ये भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, जेड प्लांट जिसको हम बुलाते हैं वही। और इसके साथ ही ये टेबल कामिनी है, यहाँ पर विंडो है, विंडो से इनको बहुत अच्छी ब्राइट लाइट यहाँ पर मिलती है, उसके बावजूद मैं इनको आउटडोर भी निकालती हूँ। यहाँ पर मेरी बालकनी है बाहर की तरफ, बालकनी हालांकि छोटी है लेकिन उसमें ये प्लांट्स सारे ही मुश्किल से आ पाते हैं, इस टेबल जितना ही स्पेस आप लगा लीजिए बालकनी में है। तो इसके बाद है ये एग्लोनीमा, पिंक एग्लोनीमा या लिपस्टिक एग्लोनीमा, ये भी काफ़ी खूबसूरत अब बढ़ रहा है, इसका जो फ्लावर है ये भी अब जाने वाला है क्योंकि इसमें थोड़ा ये ब्लैक होने लग गया है अब। और ये न्यू लीफ इसमें निकल कर आई है, ये देखिए बड़ा प्यारा इसका लाइट सा कलर जो है वो निकल कर आया है। ये है फिलोडेंड्रोन ब्राजील, और ये भी ऑनलाइन ही मंगवाया था नेवर नेवर प्लांट, और उनके साथ ही ये भी काफ़ी अच्छा अब ग्रोथ इसने पकड़ी है, अब जाकर इसने अच्छी ग्रोथ स्टार्ट की। ये देखिए सारी नई पत्तियाँ इसमें निकल कर आ रही हैं, तो ये अब ग्रोथ स्टार्ट कर चुका है, बारिशों में इसकी ग्रोथ और भी अच्छी हो जाएगी। और इनको भी अच्छी ब्राइट लाइट मिलती है क्योंकि बिल्कुल विंडो के पास ये रखे हुए हैं। ठीक इसके बाद ये है फर्न, एस्पेरेगस फर्न, और इसके नीचे ये मैंने कैक्टस के जो छोटे साइड से पप्स निकलते हैं उनको यहाँ पर लगा रखा है। हालांकि ये आउटडोर ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं लेकिन इनडोर भी ये काफ़ी अच्छे चलते हैं, ब्राइट लाइट अच्छी मिल जाती है। इसके ठीक साथ दोस्तों ये रखा है अपना स्पाइडर प्लांट, और स्पाइडर प्लांट के पप्स भी अभी तक मैंने अलग नहीं किए हैं, तो ये मैं करने वाली हूँ क्योंकि बारिशों में करूँगी, इसको मुझे डिवाइड भी करना है, गमला जो है वो फुल हो चुका है। तो ये स्पाइडर प्लांट यहाँ पर ट्रे में मैंने पानी भर के रखा हुआ है ताकि अच्छा सा यहाँ पर थोड़ा हेल्प मिले मॉइस्चर को मेंटेन करने में। हालांकि यहाँ पर भी मैंने चला रखा है अपना फाउंटेन, बुद्धा फाउंटेन, उसके बावजूद दोस्तों मेंटेन करना मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब एसी चलते हैं, इसीलिए मैंने एक ऑर्डर किया है ह्यूमिडिफायर, देखते हैं कब तक वो आता है। तो साथ में यहाँ पर दोस्तों एक ग्लास ये छोटे से कप में मैंने लगा कर रखा हुआ है सिंगोनियम,
सिंगोनियम के साथ मनी प्लांट और ये एक सिरेमिक पॉट में है छोटे से, इसके साथ ये छोटा स्पाइडर प्लांट और इसका भी पब निकला हुआ है। ये पहले पानी में था, अब मैंने इसको जब से मिट्टी में लगाया तो साथ में इसने अपना पब भी निकाल दिया। हालांकि ये पानी में काफ़ी टाइम 6 से 7 महीने तक पानी में रहा मेरा ये प्लांट, मिट्टी में जाते ही क्योंकि इसकी एज हो गई थी तो इसने छोटा सा पब भी अपना निकाल दिया। पब ये स्पाइडर प्लांट के साथ यहाँ पे पानी में मैंने इसकी कटिंग लगा रखी है, ये भी फिलोडेंड्रोन की वैरायटी है। देखते हैं इसमें रूटिंग होती है या नहीं। ये उसकी लीफ नीचे से निकाल कर कटिंग इसमें लगाई है। ये यहाँ पर आ जाता है वेरिकेटेड स्पाइडर प्लांट और ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है, कलर ऐड कर देता है ग्रीनरी के बीच में। ठीक इसके साथ ये नॉर्मल वाला हमारा जो स्नेक प्लांट है वो यहाँ पर रखा है, जिसकी हाइट आपको अक्सर मेरी वीडियो में दिखती होगी। इसके ठीक साथ ये वेरिएगेटेड स्नेक प्लांट लॉन्ग वाली वैरायटी है, वो रखा है। इसके साथ में ही दोस्तों यहाँ पर जब आते हैं ये है अपना पेप्रोमिया या बेबी रबर प्लांट। बेबी रबर प्लांट के बिल्कुल साथ शेफलेरा, ग्रीन शेफलेरा, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं। लाइट आपको दिख रही होगी, लाइट इनको आराम से मिलती है विंडो से। और इसके साथ में ही ये फर्न जो हमने डिवाइड की थी, अभी इसने हल्की ग्रोथ जो है अपनी स्टार्ट कर दी है। बीच में हालांकि ग्रोथ बिल्कुल रुक गई थी फर्न के। और इस तरफ आते हैं तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ये जो छोटे छोटे फ्लावर आप देख रहे हैं ये यूफोर्बिया मिली के जो फ्लावर होते हैं वो फ्लावर हैं, जिनको छाया में मैंने ड्राई करके रखा हुआ है। और ये देखिए कलर काफ़ी अच्छा ये बिखेरते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैंने रखा है अपना बुद्धा फाउंटेन, एयर को एयर में ह्यूमिडिटी बनाने के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। और ठीक यहाँ पे ये मैंने कटिंग लगाई थी पानी में जो डमकेन की, ये रखी हुई है। और साथ में पानी में मनी प्लांट है, ये मिट्टी में लगा हुआ छोटा स्नेक प्लांट है, ये पानी में लगा हुआ स्नेक प्लांट है। काफ़ी टाइम से ये पानी में चल रहा है बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी पानी में मैंने ये वेरिएगेटेड वाली वैरायटी स्नेक प्लांट की लगा रखी है, साथ में ये स्पाइडर प्लांट पानी में लगा रखे हैं छोटे छोटे पब्स। ये देखिए इसमें 3 से 4 पब्स लगे हुए हैं। और यहाँ पर सिंगोनियम पानी में लगा रखा है, सिंगोनियम के साथ ये वॉन्डरिंग जू पानी में लगा रखा है। तो ये एमेजोनिका, एलोकेशिया एमेजोनिका यहाँ रखा है, इसको भी मॉइस्चर बहुत पसंद है और इसको मॉइस्चर चाहिए भी, पर साथ में इसको ब्राइट लाइट भी चाहिए, जिसके कारण मैं इसको इंडोर आउटडोर करती रहती हूँ। इसके ठीक साथ दोस्तों ये पाम की छोटे वाली वैरायटी रखी है और ये भी काफ़ी अच्छा अब ग्रो कर रहा है, इसने भी काफ़ी अब नई शूट्स आ रही है, नई पत्तियाँ इसमें निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये डेंड्रोबियम ऑर्किड रखा है यहाँ पर, ऑर्किड के ये नई शूट इसमें निकल कर आई है, जल्दी ही फ्लावर भी इसमें आएगा। इसके ठीक साथ ये रखा है रबर प्लांट, रबर प्लांट आप देख सकते हैं इसने उस तरफ अपना घुमा रखा है क्योंकि इसको लाइट अच्छी चाहिए होती है, इसीलिए इसको मैं टाइम टू टाइम ऐसे रोटेट करती रहती हूँ ताकि इक्वली प्लांट को लाइट मिले। साथ में ये रखा है जेनाइडू और ये गोल्डन वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसको भी आउटडोर निकालना पड़ता है अच्छी ग्रोथ के लिए। और ठीक इसके साथ ये ग्रीन एग्लोनीमा, एग्लोनीमा भी अच्छा ग्रो कर रहा है, इसको भी रोटेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, तभी ये अच्छे से मेंटेन कर पाता है अपनी हेल्थ को। और यहाँ पर भी मैंने पानी रखा हुआ है भर के ताकि यहाँ पर थोड़ा सा रहे, हालांकि मुझे इस बात पर डांट भी पड़ती है कि हर जगह पानी भर के रख देती है, क्योंकि इसमें कभी कभी क्या होता है मच्छर या चींटियाँ गिरी हुई मिल जाती हैं या किसी को नजर आ जाती हैं तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन यह पानी चेंज करती रहती हूँ, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके का है स्पेस। और ठीक इसके साथ ये रह गया ये अपना स्नेक प्लांट फिर से, और स्नेक प्लांट इंडोर रखने के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है बिगनर है तो, और इंडोर प्लांट रखना चाहते हैं, अपनी स्टडी टेबल पर रखना चाहते हैं, वर्किंग टेबल पर रखना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन है ये। दोस्तों ये सारे प्लांट हैं मेरे और कुछ इस तरीके का इनका जो लुक है वो निकल कर आता है जब फ्रंट से यानी रूम में जब एंटर करते हैं तो ये इस तरीके का एक कॉर्नर है जो सेट हो जाता है और सुंदर लगता है। तो ये है मेरा वो स्पेस जहाँ से अक्सर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और यहीं पर मैं ज्यादातर वीडियो बनाती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा शोर होता है, कभी हवा चलने लगती है कभी कुछ, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर शांति रहती है थोड़ा सा और बनाने में इजी रहता है,
कैमरा भी अच्छे से सेट हो जाता है, जो कि मैं बहुत आलसी हूँ कैमरा सेट करने में और फोटोज लेने में तो बहुत ज्यादा आलसी हूँ, इसीलिए बहुत सी फोटोज मिस कर देती हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो भी मिस कर देती हूँ इस चक्कर में। तो कोई नहीं, ये मेरा वो कॉर्नर है जो अक्सर आप देखते हैं मेरी वीडियोस में या बैकग्राउंड में, और ये सारे प्लांट जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं, अक्सर ये प्लांट इंडोर आउटडोर होते रहते हैं, लेकिन इनका जो मेन स्पेस अभी हाल फिलहाल यही है, घूम फिर के पूरे घर में ये वापस यहीं आ जाते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा प्लांट आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।